खेती कर लेते हैं। आज हमें राशन मिली, 100 रुपए की राशन बेच के हमें आए महीने में आते हैं। राशन कौन सा मिलता है आपको? राशन साहब लाल कारक वाला, वो 5 किलो हमने चावल बेच दिया, यहाँ आ गए हम 100 रुपए महीने में आ पाते हैं। ठीक है। हाँ लेखपाल चोर है तो यहाँ बैठे अफसरान चोरों के सरदार हैं। ये कहना है यूपी के बरेली जिले के गांव परादासपुर के एक गरीब मजदूर गुलाम किसान ठाकुरदास का। आजाद देश के भ्रम में जीने वाले हिंदुस्तानियों में ही से एक ठाकुरदास नाम का ये गुलाम चंद रुपए के लिए दफ्तरों की इतनी ठोकरें खा चुकने के बाद उसको सरकारी मशीनरी की हकीकत को समझ गया और आज मीडिया के सामने फूट पड़ा। दरअसल बरेली के परादासपुर गांव का ठाकुरदास किसान सम्मान योजना के दायरे में आता है और इसे पात्र मानकर लाभ मिलने के सपने भी दिए गए, लेकिन लेखपाल ने अपनी खाऊ आदत के चलते ठाकुरदास का बैंक अकाउंट नंबर गलत दर्ज कर दिया। भुक्तभोगी ठाकुरदास तब से ही बैंक खाता नंबर ठीक कराने के लिए ब्लॉक से ही लेकर कलेक्टर तक के दफ्तरों के चक्कर लगा लगाकर थक चुका है। हद तो यहाँ तक पहुँच गई कि अब गरीब ठाकुरदास को डीएम और सीडीओ के सामने पहुँचने से रोका जाने लगा। लेखपाल का क्या मामला है? लेखपाल क्या लेखपाल साहब से जब हम मिले तो लेखपाल ने हमें धक्के आके भगाया। लेखपाल से बुरी तरीका से लेखपाल का नाम क्या है? संजीव गुप्ता, उसका साहब ये हैगा लिखा हुआ इसमें, उसके खिलाफ हमने डीएम साहब को लिख के दिए। उस पर कोई कार्रवाई हुई डीएम साहब को आपने? अभी मैंने की एडीएम साहब से, मैंने की साहब मैंने एसडीएम साहब से गई, आपसे गई, डीएम साहब से गई, और आपने आज तक लेखपाल से ये नहीं पूछी कि तूने ये क्यों मोदी तरफ से, वो हमको नहीं मिल पा रहा। कितने समय से नहीं मिला है? जब से ये सब आना शुरू हुआ है 1-1.5 साल हुई, जो भी हमको आज तक नहीं मिला। तो हम हर जगह अधिकारियों में गए और ये हम पे दरखास्तें हैं सबकी। अच्छा। जिन जिन से मिले तो जब हम डीएम साहब से मिले तो डीएम साहब ने हमसे कहा 20 दिन बाद मिलना। अच्छा। आज हम आए तो हमको यहाँ मिलने ही नहीं दिया। याद दिला दें, 2 ही दिन पहले कलेक्टर नीतीश कुमार ने कहा था कि बरेली के गांव की उसकी शक्ल बदलने की जो आपकी योजना है, ये एक अलग है हम लोग का जो प्रयास है कि अभियान के रूप में लोग बेहतर कार्य करते हैं और उसमें गुणवत्ता भी नियंत्रित होती है और कई कार्य का मॉनिटरिंग भी हो जाता है कि कार्य हो रहा है वास्तव में धरातल पर कि नहीं। तो इसके लिए हम लोगों ने प्रयास किया है कि हम लोग सभी अधिकारी गाँव जाएँ और ज़मीनी हकीकत को देखें कि क्या कार्य हो रहा है। इसके तहत 1 day 1 village का हम लोगों ने प्रयोग किया है और ये प्रयोग के तौर पर जिलाधिकारी और SDM लोग अपने गांव में जाते हैं, ग्राम समाज की बैठक करते हैं, हम लोग लोगों से पूछते हैं कि क्या समस्याएं आपकी है, कौन सी योजनाओं का लाभ मिल रहा है, कौन सी योजनाओं का लाभ की जानकारी उनको नहीं है। तो एक अवेयरनेस प्रोग्राम भी है और उसमें हम लोग संस्थागत प्रयास भी कर रहे हैं, कैसे आधारभूत संरचना को मजबूत करना वो प्रयास कर रहे हैं। तो एक तरफ DM घर घर जाकर योजनाओं को चलाने की बात कर रहे हैं तो दूसरी तरफ उनके मातहत गरीब गुलाम जनता का खून निचोड़ने में लगे हैं। सिर्फ बैंक खाता नंबर ठीक कराने जैसे मामूली से काम के लिए ब्लॉक से लेकर कलेक्टर तक की ठोकरें खा खा कर ठाकुरदास को सरकारी मशीनरी की हकीकत समझ आ गई और उसने AVN से बात करते हुए कहा कि लेखपाल चोर है और यहाँ बैठे अफसरान चोरों के सरदार हैं। लेखपाल का क्या मामला है? लेखपाल क्या लेखपाल साहब से जब हम मिले तो लेखपाल ने हमें धक्के आके भगाया। लेखपाल से बुरी तरीका से लेखपाल का नाम क्या है? संजीव गुप्ता, उसका साहब ये हैगा लिखा हुआ इसमें, उसके खिलाफ हमने DVDM साहब को लिख के दिए। उस पर कोई कार्रवाई हुई DM साहब को आपने? अभी मैंने की ADM साहब से, मैंने की साहब मैंने SDM साहब से गई, आपसे गई, DM साहब से गई, और आपने आज तक लेखपाल से ये नहीं पूछी कि तूने ये क्यों धकेला कर, क्यों नहीं पूछ रहे हैं? आपको क्या लगता है अधिकारी क्यों नहीं पूछ रहे हैं? हमें तो इसलिए मालूम पड़ रही कि वो है चोर, हम चोर के सरदार से मिल रहे हैं तो वो चोर का सरदार हमारी कहेगा ही नहीं। कौन है सरदार चोर का? ये बड़े बड़े अधिकारी बैठे हैं, ये नहीं पूछते नहीं उससे, ये चोरों को सरदार मानते हैं आपने? अरे तो हम सबसे कह रहे हैं कि भैया लेखपाल ने हमें धकेलाया, लेखपाल को समझाओ, लेकिन लेखपाल से किसी ने और लेखपाल ने हमसे कि जा तुझे जिससे बात कराना हो उससे बात करा देना। लेखपाल अपनी दमंगे से ये कहते हैं? दमंगे ही से बोला, हम BJP के आदमी हैं। तो आपको हार मान लेना चाहिए, डर जाना चाहिए? हार मान ली हमने, अब तो मतलब मन की हार पाएंगे, अब तो सबसे हार मान ली हमने, हार मान गए। आपने कहा नहीं तो अधिकारी है, BJP के आदमी है वो सब कहता है अपने के लिए, वो अपने लिए कहता है। अब हार मान गए हम, हाँ नाथ अब हम हार गए। हार के अब क्या करोगे आगे? अब हम बस मतलब अगर नहीं काम हो रहा है तो गरीब आदमी होंगे, मतलब हम
बहुत काम करते हैं तब भी महीना में दो चार दिन भूखे रह जाते हैं हमारे बच्चे, तो उससे तो मरना ही चाहिए जी। अब हम तीन भाई हैं, 6-6 हज़ार रुपये 18 हज़ार रुपये में मिलते, कितने हमारे राशन पानी चलती है वो भी सब, मतलब हमारे एक भी भाई पैसे नहीं मिलते। तो आप कैसे गुजारा कर रहे हो? अब गुजारा साहब 35 किलो राशन मिलता है और हम मजदूरी ड्यूटी कर लेते हैं। आज मैं राशन मिली 100 रुपये राशन बेच के हमें आए महीने में आते हैं। राशन कौन सा मिलता है आपको? राशन साहब लाल कारक वाला, वो 5 किलो हमने चावल बेच दिया, यहाँ आ गए हम 100 रुपये महीने में आ पाते हैं। ठीक है। इस मामले को सुनने के बाद कम से कम प्रधानमंत्री मोदी के मेरा भारत बदल रहा है जैसे जुमलों का साकार रूप सामने आ गया। जब सिर्फ खाता नंबर ठीक कराने के लिए एक गरीब किसान को अपने बच्चों का निवाला तक बेचकर कलेक्टर तक पहुंचने का किराया भाड़ा जुटाना पड़ा, वो हमको नहीं मिल पा रहा। कितने समय से नहीं मिला? जब से ये सब आना शुरू हुआ है 1-1.5 साल हुई, जो भी हमको आज तक नहीं मिला। तो हम हर जगह अधिकारियों में गए और ये हम पे दरखास्तें हैं सबकी। अच्छा। जिन जिन से मिले, तो जब हम डीएम साहब से मिले तो डीएम साहब ने हमसे कहा 20 दिन बाद मिलना। अच्छा। आज हम आए तो हमको यहाँ मिलने ही नहीं दिया। लेखपाल का क्या मामला है? लेखपाल क्या कर रहे हैं? लेखपाल साहब से जब हम मिले तो लेखपाल ने हमें धकिया के भगाया। लेखपाल से बुरी तरीका से हमें किसी, लेखपाल का नाम क्या है? संजीव गुप्ता, उसका साहब ये हैगा लिखा हुआ इसमें, उसके खिलाफ हमने डीएम साहब को लिख के दिए। उस पर कोई कार्रवाई हुई डीएम साहब को आपने? अभी मैंने की एडीएम साहब से, मैंने की साहब मैंने एसडीएम साहब से गई, आपसे गई, डीएम साहब से गई, और आपने आज तक लेखपाल से ये नहीं पूछी कि तूने ये क्यों धकेला कर, क्यों नहीं पूछ रहे हैं? आपको क्या लगता है अधिकारी क्यों नहीं पूछ रहे हैं? हमें तो इसलिए मालूम पड़ रही कि वो है चोर, हम चोर के सरदार से मिल रहे हैं, तो वो चोर का सरदार हमारी कहेगा ही नहीं। कौन है सरदार चोर का? ये बड़े बड़े अधिकारी बैठे हैं, ये नहीं पूछते नहीं उससे, ये चोरों को सरदार मानते हैं आपने? अरे तो हम सबसे कह रहेंगे कि भैया लेखपाल ने हमें धकेला, लेखपाल के लिए समझाओ, लेकिन लेखपाल से किसी ने, और लेखपाल ने हमसे कही जा तुझे जिससे बात कराना हो उससे बात करा देना। लेखपाल अपनी दबंगे से ये कहते हैं? दबंगे ही से बोला, हम बीजेपी के आदमी हैं। तो ये देखो अशोक यादव डीडी वो डिप्टी डायरेक्टर है बिलवा, उसके पास गए, विकास भवन गए, सीडीओ साहब के पास गए, तहसीलदार साहब के पास गए, एसडीएम साहब की मतलब हमारे पास में सब रिपोर्टें हैं, लेकिन हमें साहब हर जगह से भागाया गया। गांव में कुछ लोगों को मिला ये पैसा? हमारे गांव सारे लोगों को मिल गया, सब लोगों को, मतलब जिनको वो है, मतलब वो हमारे यहाँ जैसे अगर 2000 आदमी हैं तो वो 10-20 को नहीं मिल गया, और बगैर सभी को मिल गया, सबको मिल गया, सबको मिल गया, जिनको नहीं मिल गया जिनके माँ बाप। एसडीएम साहब से आप मिले हैं तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया आपको? एसडीएम साहब ने आश्वासन दिया, मतलब लिख के दिया कि आप बिलवा जाओ। अच्छा। और डीएम साहब ने ये कहा कि तुम कहीं मत जाना, सीडीओ साहब से मिलना, लेकिन आज हमें सीडीओ साहब से भी नहीं मिलने दिया, हम विकास भवन गए, कई वो सीडीओ साहब बदल गए, दूसरे सीडीओ साहब आए। बदल गया तो काम नहीं होगा क्या? हाँ पता नहीं बदल गए काम होगा नहीं होगा। अगर आपका काम नहीं होता तो आप क्या करेंगे? हम साहब आत्महत्या करेंगे, हम गरीब आदमी हैं और हम मरने के खगार पर हैं, क्योंकि बताएं ये बात आपने लिख के दे दी अधिकारियों को, आगे काम नहीं होगा आप। अभी हमने तो गेट पर चिल्लाए कही उसके, ये डीएम साहब उठ गए, हमने गेट पे चल जाए करेंगे, हम मरेंगे और हम जाएंगे ना, हम रहेंगे नहीं, हमारे बच्चे आ रहे हैं ना, हमें यहीं रहना है, काम नहीं होगा, काम करा के ही जाएंगे। हाँ नहीं तो रात भर यहीं रहेंगे, हमें पुलिस बंद कराई कोई बात नहीं, करने दो, मार के भगाएंगे, आने दो, वो तो गरीब सहन करेगा सब, जाएंगे कहाँ। विकास का इससे बड़ा और कोई सबूत हो ही नहीं सकता। मंचों पर बड़ी बड़ी डींगे मारने वालों के लिए गर्व की बात है कि उनकी सरकारों में गुलाम जनता की अपने परिवार का निवाला तक बेचना पड़े।